नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में किस्त ऐप के रिपेमेंट करके दिखाएंगे और देखते हैं कितने रुपए लिमिट यहाँ से बढ़ के हमें मिलती है। दोस्तों, इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम किस्त ऐप की यहाँ रिपेमेंट करते हैं और देखते हैं कितने रुपये बढ़ के हमें लिमिट मिलती है। चलिए दोस्तों, किस्त ऐप को यहाँ पर ओपन करते हैं। दोस्तों, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फास्ट कैश लिखा है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन 7560 रुपये हैज़ बिन ट्रांसफर योर बैंक अकाउंट। यहाँ पर व्यू डिटेल लिखी है और यहाँ पर जो है अपकमिंग पेमेंट लिखी है, 29 दिन बाद यहाँ पेमेंट करना है, 3860 रुपये हमें यहाँ पर पेमेंट करना है। दोस्तों, लोन के ऑप्शन पे हम चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ऑन गोइंग लोन लिखा है और यहाँ पर क्लोज लोन लिखा है दोस्तों। तो हमने 7000 रुपये का लोन क्लोज किया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों, 7560 रुपये का लोन यहाँ पर जो है हमें 27 जुलाई को मिला है दोस्तों। आज देख सकते हैं 29 जुलाई हुआ है, 2 ही दिन हुआ है हमें यहाँ लोन लिए हुए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो है होम पे चलेंगे तो हमें यहाँ 2 दिन हुए सिर्फ लोन लिए दोस्तों, हमें जो है 7560 रुपये का लोन मिला है। और दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर रिपेमेंट करने के बाद हमें जो है 7560 से बढ़कर लोन यहाँ पर देती है किन कंपनी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो व्यू डिटेल, इस पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा चुका है 29 दिन हमें रिपेमेंट के लिए बचे हैं, 7560 रुपये हमें यहाँ पर जो है क्रेडिट हुए थे अमाउंट यहाँ पर। उसके बाद फुल रिपेमेंट करना है दोस्तों, 7912 रुपये यहाँ पर हमें पेमेंट करना है। और दोस्तों, व्यू डिटेल पर हम यहाँ करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में 6660 रुपये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। मतलब टोटल मिला के दोस्तों आप देख सकते हैं 1400 रुपये 1400 रुपये का यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ा है दोस्तों। 1400 रुपये का इंटरेस्ट हमारे यहाँ पर लगा है दोस्तों, और सिर्फ 2 ही दिन हुए हमें 1400 रुपये यहाँ गोला मचा दिया कंपनी ने। तो उसके बाद दोस्तों, हम चाहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि हमारे सिविल में शो हो रहा है और मुझे जो है यहाँ पर रिपेमेंट करना है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर फुल रिपेमेंट अमाउंट लिखा है तो हम इस पर टैप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पर यहाँ पर टैप कर देंगे। टैप करने के बाद दोस्तों, टोटल अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे 7912 रुपये। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से किसी प्रकार कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, जैसे कि हम UPI सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखिए 31 रुपये और चार्ज लेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है इन्हें 1600 1400 रुपये की एल लगा दी है दोस्तों। उसके बाद में ये जो 31 रुपये फिर से यहाँ पर चार्जेस ले रहा है, तो दोस्तों हम देना ही पड़ेगा क्योंकि हमें रिपेमेंट करना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है इसमें, सभी में यहाँ पर चार्जेस ले रहा है दोस्तों, हर ऑप्शन में। तो हम UPI थ्रू कर लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ से जो अपना UPI ID डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पे के ऑप्शन पर टैप कर देंगे। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं ओपन यूअर UPI ID लिखा है दोस्तों, एक्सेप्ट पेमेंट। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं 7943 रुपये यहाँ लिखा रहा है। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हैं 7943 रुपये लिखा रहा है और टैप का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ टैप कर देंगे। जैसे दोस्तों, हम यहाँ पेटीएम पर टैप करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7943 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो है अपना बैंक सेलेक्ट करने के बाद पे के ऑप्शन पर यहाँ पर टैप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, अपना UPI PIN यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो है 7943 रुपये पेमेंट जो है हमने किस्त ऐप को यहाँ पर कर दी दोस्तों। करने के बाद देखते दोस्तों, 7943 से हमारी लिमिट बढ़ती है कि दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड यहाँ पर ईमेल लिखा है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर सेंड कर दिया दोस्तों। अब जो है हम बैक कर लेते हैं दोस्तों, वापस आ चुके हैं दोस्तों, हम यहाँ बैक करें दोस्तों। अब देखते दोस्तों, हमें यहाँ पर जो है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखते हैं, यहाँ पर जो लोन जो है क्लोज हो चुका है दोस्तों हमारा। तो हम यहाँ पर जो है इसे एक बार रिफ्रेश मार देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर रिपेमेंट कर दी है दोस्तों। यहाँ पर रिपेमेंट करने के बाद दोस्तों, अब हम यहाँ पर लोन पर टैप कर देते हैं। देखिए दोस्तों, लोन जो है हमारा क्लोज हो चुका है 7560 रुपये का दोस्तों, 29 जुलाई को यहाँ पर क्लोज हो चुका है। उसके बाद व्यू डिटेल पर हम टैप कर देते दोस्तों। आप यहाँ पर डिटेल पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लोज लोन हो चुका है दोस्तों हमारा। और यहाँ पर देखिए, देख सकते हो 27 अगस्त और यहाँ पर 27 सितंबर दो किस्तें नल थी, 62 दिन का हमारा लोन था। तो हमने यहाँ पर दोस्तों क्लोज कर दिया 29 जुलाई को। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर जो है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं कि हमारी लिमिट जो है बढ़ी कि दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, फास्ट कैश लिखा रहा, लोन अवेलेबल, गेट लोन इट पर हम ओके करते हैं। 7950 रुपये का हमारा लोन था दोस्तों। यहाँ पर आप देखते हैं हमें कितने रुपये बढ़ के लिमिट मिलती है, या फिर ये जो है हमें 2 दिन बाद रीपेमेंट करने पर लिमिट देता ही नहीं है दोस्तों। यहाँ 30000 रुपये क्रेडिट लाइन लिमिट दिखा रहा था, हम लेस स्टार्ट पर ओके करेंगे। अब यहाँ प्लीज पेट लिखा रहा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक हो रही दोस्तों, यहाँ पर चेक ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब दोस्तों देख सकते हैं, हमारा 7900 कुछ रुपये था। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे जो है 8165 रुपये यहाँ पर जो है हमें लोन जो है यहाँ प्रोवाइड कर रही है कंपनी दोस्तों। आप देख सकते हैं 2 साल का यहाँ पर लोन दिखा रहा है, बट ये दो महीने की पेमेंट है दोस्तों। देखिए, यहाँ पर 29 अगस्त और 29 सितंबर को हमें यहाँ पेमेंट करना होगा, और हमारे हमें जो है बैंक में 7900 यहाँ पर जो पेमेंट करना था दोस्तों, 7900 रुपये करना था। तो हमारे 200 रुपये लिमिट यहाँ पर बढ़ा दी गई दोस्तों। दोस्तों, आप देख सकते हैं 200 रुपये लिमिट बढ़ा दी गई, और डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट होगा 7240 रुपये यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल रिपेमेंट करना होगा 8545 रुपये दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 240 है और यहाँ पर 570, मतलब 13400 रुपये यहाँ फिर से इंटरेस्ट हमें लग जाएगा 2 मंथ के लिए अगर हम फिर से लोन लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पर लिमिट जो है बढ़ जाती है, 1000 रुपये लिमिट यहाँ पर बढ़ जाती है हर रिपेमेंट के बाद में। आप 1 दिन में करो, 10 दिन में करो, या 50 दिन में करो, 1000 ही रुपये लिमिट बढ़ती है आपसे इंटरेस्ट लेके दोस्तों। आपकी लिमिट ये इंक्रीज़ कर देते हैं,
जैसे कि आपने 5,000 रुपये लोन लिया तो 1,000 रुपये आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे, 1,500 रुपये इंटरेस्ट ले लेंगे, और उसी को जो है 6,000 रुपये लिमिट कर देंगे। फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे 7,000 लिमिट कर देंगे, मतलब आपके पैसे से ही आपको ये लोन देती है कंपनी दोस्तों। और यहाँ पर 2 साल लिखा हुआ होता है, पर यहाँ पर 2 महीने की जो है किस्त होती है। इसके पहले यहाँ सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया करता था यह ऐप्स, उसके बाद ये आरबीआई रजिस्टर्ड हो चुका है दोस्तों, तो ये जो है आप 1-2 महीने का टाइम यहाँ पर देता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है अपने ऐप्स की लिमिट बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।